नमस्कार। आज टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल आया उसको लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं तो मुझे बोल देना चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ कि इससे आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले भी एनटीए एक एजेंसी बनी थी जिसके थ्रू सारे एग्जामिनेशन हो रहे थे। हो सकता है सारे एग्जामिनेशन एक को एजेंसी करा दे, एक डेट पे करा दे, पर जाहिर सी बात है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही मिलेगी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलेगी। उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक एजेंसी कराए कि दो कराए। जहाँ तक मैं समझता हूँ एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जे एडवांस में स्किल्स अलग चेक करनी होती है, बच्चे की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्किल्स चेक करनी होती है, और नीट के जो डॉक्टर्स बनते हैं उनको कम समय में सही निर्णय लेने की क्षमता उनको जांचनी होती है। तो अगर देश समझदार है और एजेंसी समझदार है तो इस पैटर्न को चेंज नहीं करेंगी, इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है 2023 वाले, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल जैसे हो रहा है वैसे ही होगा। अगर कुछ भी चेंज होगा तो एजेंसी चेंज हो, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, हमारी तैयारी वैसे के वैसे ही रहने वाली है। कुछ भी एकदम से रातों रात कुछ नहीं बदलेगा आपकी प्रिपरेशन में और आपके सिलेक्शन को लेकर। चलिए, तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।